जींद उपचुनाव में इनेलो के प्रत्याशी उमेद रेडु के प्रचार प्रसार के लिए नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला शनिवार को जींद बार काउंसिल पहुंचे। यहां उन्होंने इनेलो के उम्मीदवार को जिताने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एसवाईएल का मुद्दा जो उनके द्वारा उठाया गया है, वकील उसमें अपनी ताकत झोंकने का काम करे। वकीलों के सहयोग से एसवाईएल का पानी हरियाणा की जमीन पर लाया जा सकता है। केएनएन मीडिया के लिए जींद से अनिल कुमार। करीब कोई 15 डिस्ट्रिक्ट के बार एसोसिएशन में जा सकते वकीलों से पूछ करके हरियाणा प्रदेश के साथ आज जिस तरह से केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को जो फैसला एसवाईएल को लेकर के दिया और फैसले को लागू जहां करने की बात की लागू ना करके प्रदेश के किसान के साथ जो अन्याय कर रहे थे हम उस सिलसिले में वकीलों से जाकर के रेजुलेशन दे रहे थे। वकीलों से आग्रह कर रहे थे, कह रहे थे कि आप लोग भी इस आंदोलन का हिस्सा बनो और आप भी अपनी तरफ से अपने बोर्ड की तरफ से अपनी एसोसिएशन की तरफ से सब लोग इस हमारे आंदोलन का समर्थन करके प्रदेश की सरकार को भी केंद्र की सरकार को भी रेजुलेशन भेजो ताकि आपकी इस रेजुलेशन का असर मुंह पे पड़े, प्रेस के लोग भी उसको प्रेस के माध्यम से देश के लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। हम इस इश्यू को लेकर के लगातार वकीलों से जा करके मिल रहे थे और हमने आंदोलन को इसलिए चलाया था या मिलना इसलिए शुरू किया था कि 2016 को 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का फैसला आया और संवैधानिक पीठ के फैसले में बड़ा क्लियर लिखा हुआ था कि जिस एसवाईएल के इश्यू को लेकर के पंजाब के साथ लंबे समय से हरियाणा प्रदेश का पानी का विवाद चल रहा था जो बंटवारे के वक्त में दोनों स्टेट के ट्रीटी की वजह से जो हिस्से में 35% पानी व्यास नदी का हमें दिया गया था वो पानी हमें मिले, जिस पानी को लगातार राजनीति के बैठ के डाल करके 50 बरस तक प्रदेश के किसान के साथ प्रदेश के लोगों के हिस्से का पानी ना देकर के अन्याय जो किया जा रहा था वो फैसला लागू हो इसके लिए हमने अलग अलग तरह के आंदोलन चलाए थे। हमने एक आंदोलन चलाया था जेल भरो का, एक आंदोलन चलाया था हमने पंजाब के साथ लगती हरियाणा की सारी सीमाओं को बंद करके केंद्र की सरकार पे प्रेशर बने, इसके लिए एक दिन के दवाड़ी से लेके अंबाड़ा तक के रास्ते बंद किए। हमने मैंने अलग अलग बार काउंसिल्स के बहुत लंबे समय से प्रोग्राम बनाए हुए थे, मेरे जींद के कार्यक्रम बने थे लेकिन मैं किसी वजह से पहुंच नहीं पाया था। तो जहां आज मैं जींद के एडवोकेट से इस बात का समर्थन मांगने आया था कि एसवाईएल के इशू के ऊपर जींद के वकील भी हमारे उस आंदोलन का हिस्सा बने, हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ न्याय हो, उस लड़ाई को ये भी लड़े। वहीं साथ साथ क्योंकि उपचुनाव है इसके लिए मैंने इनसे वोट की बात भी करी और मैंने कहा भी वकील एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा पेशा करने वाले लोग हैं जिनको अगर कोई ये सोचे कि मैं इसको कन्विंस कर लूँ तो मूर्खता है। 100% वकील लोगों को कन्विंस करते हैं। मैंने अपनी बात वकीलों के सामने रखी है कि हमारे उम्मीदवार में और दूसरे उम्मीदवारों में एक ही अंतर है, अब आपने फैसला करना है कि जो अंतर है, जो लोग आज बाहर से आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, जो कहीं आपको आपके वोट की वजह से अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं या अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आपको सबक सिखाना चाहिए और अपने व्यक्ति को मजबूत करने के लिए वोट दे करके उसकी ताकत बढ़ानी चाहिए। सर आज एक पार्टी को मुझे लगता है कि 100% यहाँ का वकील जो है एडवोकेट जो है
वो ठीक फैसला नहीं है। सर आज पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है, आपके बिल्कुल दाहिने कंधे की तरह हुआ है सरदार जसविंदर संधू, उनका निधन हो गया। किस हमारी पार्टी के बड़े सीनियर साथी थे, उन्होंने जब गांव के सरपंच से तब चौधरी देवीलाल को पहली दफ़ा गांव में सरपंच होते हुए अपने गांव की डिमांड्स रखी थी। चौधरी देवीलाल ने उसी दिन उनको कहा था कि तू बड़ा होनहार है, तू एक दिन MLA होगा, MP होगा, मंत्री होगा। हमारी पार्टी का बहुत सीनियर साथी थे, उन्होंने हमेशा पार्टी के संगठन के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए काम किए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि बड़े स्पष्ट थे, सीधे इंसान थे। 100% पार्टी को बहुत बड़ी कमी महसूस होगी उनके जाने से। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे। K9 मीडिया अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक रैली, जलसा, जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट।